देश भर में मौसम बदल रहा है। बीते दो दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिल्ली NCR समेत देश भर के कई राज्यों में बारिश ने ठंड का एहसास करा दिया है, तो कहीं कहीं जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम फिलहाल ऐसे ही बना रहेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान गिरने का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। आइए जानते हैं देश में राज्यों का हाल अब कैसे रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। बीते दिन यहां बर्फबारी भी हुई। इस बीच IMD की माने तो आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही छोटी मोटी ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। तो वहीं बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, UP के कुछ हिस्से यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और गोवा की करें तो यहां भी आज हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म होता जाएगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। हालांकि सुबह के साथ दिन के तापमान में अभी कमी देखने को मिलेगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 28 और 16 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते भर के दौरान ये 30, 31 और 18, 19 डिग्री तक ही रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह के बाद अब दिन में भी ठंड और बढ़ने लगेगी, जिसके बाद मौसम में पूरी तरह से बदलाव नजर आएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश की उम्मीद जताई गई है। दो दिन की इस बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। रात में आलम यह है कि सड़कों पर निकलने वाले और सुबह ऑफिस जाने वाले लोग स्वेटर और जैकेट में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, रात में घर से बाहर निकलने पर भी कपकपी का एहसास हो रहा है और यही मौसम है जब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बदलते मौसम में लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।